इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं। ये फिल्म सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये बग्गूगढ़ है जहां पर आज से 20 साल पहले खून की होली खेली जाती थी। गांव में जब किसी पर कोई अत्याचार करता तो तांत्रिक भैरवनाथ के पास अपनी फरियाद लेकर गांव से बाहर उसकी गुफा में पहुंच जाता। भैरवनाथ अपनी तांत्रिक विद्या से शैतान को जगाता। शैतान गुनहगार को मारकर ही शांत होता। इसी बीच अगर कोई गांव वाला उसके रास्ते में आता तो वो उसे भी मार डालता, चाहे वो गुनहगार हो या बेगुनाह। शैतान के इसी भय से सभी गांव वाले अपने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करके छिप जाते। इस तरह कई बेगुनाह लोग भी मारे गए। मगर जब इसी गांव की एक लड़की बिमला का बेगुनाह पति शैतान का शिकार हुआ तो सभी गांव वालों ने मिलकर इस बात का फैसला किया कि आज के बाद कोई भी तांत्रिक भैरवनाथ के पास फरियाद लेकर नहीं जाएगा। लेकिन बिमला ने अपने पति के कातिल भैरवनाथ और शैतान दोनों से बदला लेने की ठान ली और तांत्रिक विद्या सीखनी शुरू कर दी। तांत्रिक विद्या सीखते सीखते बिमला को 20 साल बीत गए और वो इस विद्या में माहिर हो गई। आज बिमला खुश है क्योंकि उसे अपनी तांत्रिक विद्या से पता चला है कि शहर से कुछ शहरी इस गांव में आ रहे हैं, जिनकी वजह से शैतान जागेगा और वो अपने पति की मौत का बदला ले सकेगी। मोहनगढ़ 60 किलोमीटर, बग्गूगढ़ गेस्ट हाउस 2 किलोमीटर। मरवा दिया यार मौटी के बच्चे, चंदनपुर का रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पे गाड़ी ले आए। अबे आप चुप क्यों हैं? उस वक्त तो भाषण कर रहा था कि नहीं जी मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। अब क्या करें? करना क्या है, बग्गूगढ़ चलते हैं, यहां से नजदीक भी और रात भी कट जाएगी। क्यों? हाँ हाँ आइडिया अच्छा। अब सोच क्या रहा है लंबू? चलना बग्गूगढ़ चलते हैं। चल चलो चलो चलो। ज्यादा लंबे लोगों की आपको घटना में होती है। गाड़ी रोक यार, वो देखो गेस्ट हाउस। चलो चलो। विजय ये तो वीरान से खंडर है, मुझे तो डर लग रहा है। कुमारी नीता, ये गांव का गेस्ट हाउस है, मेरा गिटार का है। कोई शहर का 5 स्टार होटल नहीं के जहाँ रिसेप्शनिस्ट तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़े हो, समझे? चलो आओ रे। हाँ हाँ चलो आ रहे हैं भाई। अरे भाई कोई है? अरे कोई है? अरे सुनता है कि नहीं, कोई है भाई? अरे ये तो खुला ही था रे। हाँ ओ अरे कोई है भाई? अरे बाहर आओ भाई। फाइट विदाउट फाइट, हिलना नहीं। अगर हिलना जरूरी है तो ऊपर से हिलो, नीचे से नहीं हिलना। मैं हूं फूलचंद और मैंने प्यार किया सलमान खान। अरे हम पिछवाड़ा चेक करने क्या गए, तुम अखबाड़ा खोल कर घुसाए, भगवाड़ा समझा गया इसको। देखिए साहब। साहब नहीं, हीरो सलमान खान मैंने प्यार किया, लेकिन तुम लोग मैंने प्यार किया कि अंताक्षरी खेलने यहाँ क्यों चले आए? मैं समझ गया दिल का मामला है, लेकिन यहाँ भी ड्यूटी का मामला सलमान खान करता है और भाग्यश्री देखती है और देखकर शर्मा जाती है, बाराती प्यार से कहती है मैंने प्यार किया है। तुम पर इल्जाम है कि तुमने शहजादा होते हुए भी एक अदना नाचीज कनीज रक्का सा अनारकली से मोहब्बत की पींगे बढ़ाकर हिंदुस्तान और मुगलिया खानदान की आन बान शान को सिल का बट्टा लगाया। हम मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुम्हें एक बार चानस देते हुए पूछते हैं।
मैनेजर साहब कुछ और सुनाओ। देखो पागल न बनो, अनारकली को भूल जाओ बेटा और हिंदुस्तान का ताज कबूल कर लो। डोंट बी स्मार्ट ओल्ड मैन, मैं सब समझता हूँ। वो जो शेर अफगान कमाल है ये सब उसी की चाल है। मुझे दूसरे दलाल ने बता दिया है कि तुम अनारकली की शादी शेर अफगान कमाल से करके अनारकली की बेवा माँ की वो जो नरीमन पॉइंट वाली जमीन है उस पर शॉपिंग सेंटर खोलना चाहते हो, मुगले आजम शॉपिंग प्लाजा। मगर मैं ये होने नहीं दूंगा। अनारकली मेरी थी और मेरी ही रहेगी। भूषण तारा को छोड़, तारा मेरी है। तुम अब तक अनारकली के लिए जिद कर रहे थे, अब तारा को भी मांगने लगे, ये कैसे धांधली है? ठीक है अनारकली को तुम रख लो, तारा मेरी हुई, तारा मेरा सहारा है। नहीं, तारा पे हक हमारा है। जिल्ले सुभानी ये मेरी होने वाली लुगाई है। नहीं, वो तुम्हारी ताई है। गलत, ये इसकी माई है। नहीं, इससे मेरी आशनाई है। आशनाई है? हम तुझे दीवार में चुना देंगे। उससे पहले हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अरे तारा रुक जा, फूल तारा तेरी फूल है, फूल। रुक जा फूल। आप लोग गेस्ट हाउस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आपके बापू और ताऊ की नौटंकी देखने आ गए। अजी वहाँ तो खेल ही खत्म हो गया। अगर देखना ही है तो मेरी भाग्यश्री को देखिए, तारा को, और उनको देखिए जिनकी मंगनी होने जा रही है। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। मुखिया जी ये शहर से आए हमारे मेहमान हैं। आप लोग हमारे गांव में आए ये बड़े सौभाग्य की बात है। मेहमान तो भगवान समान होता है। ये तो आपका बड़प्पन है मुखिया जी, हम लोग तो रास्ता भूलकर इस गांव में आ गए। बस जी फूलचंद जी से पता चला कि गांव में किसी की मंगनी है, मुबारकबाद देने के लिए चले। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। करण और माधी दोनों अनाथ हैं, आप लोगों का अपनापन पाकर बहुत खुश होंगे। बापू ये मेरी बेटी गौरी। कैसा?
अच्छा दोस्त, अब हमें इजाजत दीजिए, जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी मुलाकात। आप लोग अभी इसी वक्त शहर जा रहे हैं? हाँ। दोस्त अभी तो नहीं, लेकिन हाँ सुबह तो जाना पड़ेगा। देखो दोस्त कहा है तो दोस्त की एक बात मानोगे? क्यों नहीं, कहो क्या कहना चाहते हो? जिस तरह आप लोगों ने इतनी सी देर में मेरी मंगनी में चार चांद लगा दिए, मेरे मन में एक ख्वाहिश जाग उठी है, मेरी शादी को भी उसी तरह रंगीन बना दे तो मजा आ जाएगा। सिर्फ दो दिन की तो बात है। देखिए इनकार मत कीजिएगा। क्यों भाई, ठीक है यारा नाल बहारा। नजर न लग जाए इस घड़ी को, तुम मेरी बाहों में इसी तरह सिमटी रहो और वक्त ठहर जाए। मैं इस गांव की हूँ। लेकिन इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों को देखने के लिए आई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी तंत्र विद्या ने मुझे बताया है तुम लोगों में से ही कोई मेरे मकसद का मददगार बनेगा, उस शैतान को जगाने की वजह बनेगा जिसके लिए मैंने कई बरसों से तपस्या की है। शैतान, तंत्र विद्या, आखिरी सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ साल पहले की बात है, जब मैंने जवानी की दहलीज में कदम रखा था, गांव का एक लड़का शेरू जो मेरा अक्सर पीछा करता था, लेकिन मैं शमशेर के प्यार में खोई रहती थी। एक दिन मेरी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी शमशेर से हो गई। आज सुहाग रात के दिन मैं सिमटी लचाई शमशेर का इंतजार कर रही थी, इतने में शेरू आ गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? विमला, तुझे मैं ये बताने आया हूँ कि तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं हो सकती। मेरे प्यार को तो ठुकरा दिया, पर मेरी नफरत को नहीं ठुकरा पाएगी। तुम मुझे यहाँ धमकी देने आए हो, निकल जाओ यहाँ से। जाता हूँ, और जाते जाते ये भी बता जाता हूँ, तू जिसे अपनी सागरा समझ रही है, दरअसल वो तेरी सुहाग की आखिरी रात। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। हमने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, इसलिए हमारे दुल्हन नाराज तो नहीं? नाराज तो नहीं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कोई हमें जुदा ना कर दे। अब जुदाई का डर क्यों? हाँ तो हम दिल से एक हो गए ना। तांत्रिक बाबा, जिसे मैं चाहता था उसने किसी और से शादी कर ली बाबा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ बाबा। आप शैतान को जगाकर उसके पति की हत्या करवा दो। शैतान को जगा दो, शैतान को जगा दो। Thank you.
जाओ यहाँ से। गोपाल दरवाजा खोल दो, गोपाल उस शैतान से मुझे बचाओ, भगवान के पास से दरवाजा खोल दो, गोपाल दरवाजा खोल दो। अरे कोई तो इन्हें बचाओ, बचाओ। मुखिया जी दरवाजा खोलिए, गांव का कोई भी आदमी दरवाजा नहीं खोल रहा है मुखिया जी। ठीक किया उन लोगों ने, गांव का कोई भी आदमी दरवाजा नहीं खोलेगा, चले जाओ यहाँ से। मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूँ मुखिया जी, ये खूनी शैतान मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार डालेगा मुखिया जी, ये मुझे मार डालेगा। पाने में नाकामयाब रहा तो इसने एक तांत्रिक के जरिए एक शैतान से मेरे पति की हत्या करवा दी। मुजरिम सामने है, फैसला कीजिए, फैसला कीजिए। शेरू ने जो जलील हरकत की है वो हैवानियत से कम नहीं, इसलिए पंचों का फैसला है कि इसे पत्थर मार मार कर हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने जो कुछ भी किया है विमला को पाने के लिए किया था। विमला कोई खिलौना नहीं जो खरीदा जा सके, तो मैं विमला चाहती नहीं थी तो पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुराई चाहे जिस शक्ल में भी हो आखिर बुरी ही होती है, इसलिए पंचों ने जो फैसला किया है अब वही तुम्हारा मुकद्दर है। लेकिन मुखिया जी आपके फैसले के बाद भी मैं वही खड़ी हूँ, आपके फैसले ने मेरा स्वाद तो नहीं लौटाया, मेरी खुशियाँ तो वापस नहीं दिलाई। बेटी कभी ताकत से टक्कर लेना इंसान के बस में नहीं। तो क्या मेरी तरह गांव की और लड़कियाँ भी क्या इसी तरह किसी की नाजायज चाहत और बदले की शिकार होती रहेंगी? नहीं, इस गांव के हर बाशिंदे को कसम दी जाती है कि आज से कोई तांत्रिक के पास नहीं जाएगा और ना ही कोई शैतान को जगाने के बारे में सोचेगा। इसका मतलब है आप बदी से डर कर भाग तो जाना चाहते हैं लेकिन बदी को खत्म करना नहीं चाहते। ठीक है, इस बर्बादी की निशानी को मैं खत्म कर दूंगी। तांत्रिक भैरवनाथ, तू अपने शैतान के जरिए इंसानी विनाश का जो खेल खेलते आया है, मैं आज उस खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। लड़की तू मामूली है, हम मामूली नहीं, इंसानी समझ और ताकत से बहुत ऊंचे हैं। तेरे इरादे और कोशिश की हमें पहले ही खबर लग गई थी, हम चाहते तो तुझे वही खत्म कर सकते थे, पर हमने तुझे यहाँ तक पहुँचने की इजाजत इसलिए दी ताकि हम तुझे ऐसा सबक दें जिसे देखकर कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करे। उस तांत्रिक ने मेरी ये हालत बनाई, मुझे इस गांव में और समाज में रहने के लायक नहीं छोड़ा। बहुत सोचने के बाद बात समझ में आई कि अगर उस तांत्रिक को खत्म करना है तो उसकी असली ताकत उस शैतान को खत्म करना चाहिए। फिर मैंने बरसों तंत्र विद्या सीखी और मौके की तलाश में रही, कोई उस शैतान को जगाए और मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं।
तो तुम्हारा मतलब है वो शैतान हम लोगों की वजह से जागेगा? जरूर जागेगा, और मैं उसे खत्म कर दूंगी। ये सब तुम गांव वालों का वहम है, हम इन बातों को नहीं मानते। चलो। करण, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम चाहे खेत पर रहो या दुकान पर, खाना तो रोज मुझे ही लाना पड़ता है ना, इसमें नई बात क्या हुई? कमाल करती हो। अरे भाई बीते हुए कल और आज में बहुत फर्क हो गया है। क्या हमारी सगाई जो हो गई है? और सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तुम्हारा यहाँ ठीक नहीं है। देखो खाना तो मैं लेकर ही आऊंगी, क्योंकि तुम जानते हो जब तक तुम नहीं खा लेते मैं खाना नहीं खा सकती। सुनो, दो दिन सिर्फ काम, सिर्फ काम है मुझे, खाना पीना बंद है, खाना पीना बिल्कुल बंद है, काम है सिर्फ। हाँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी टोली लेकर आऊंगा ना, तो सुबह से शाम तक सिर्फ तुम्हें खाऊंगा। बेशरम कहीं के, ये खाना है इसे याद से खा लेना, खाओगे ना क्या बना है? तुम्हें मेरी कसम जरूर खाऊं। अरे देता हूँ यार, मुझे भी भूख लगे, सबर कर ले। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? झक मार रहे हैं। मारिए मारिए, झक मारना अच्छी चीज है, फिल्म मैंने प्यार किया मैं। अरे यार बंद करो, जब मैंने प्यार किया और सलमान खान का हैंगओवर, हम पहले परेशान हैं। परेशान है? हाँ। तो परेशानी मैं दूर किए देता हूँ। कैसे भाई? पहेलियां बुझाकर, आप तीनों एक तरफ और मैं दूसरी तरफ। अगर पहेली के जवाब में आप जीत गए तो मैं आपको पाँच 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 रुपए दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो आप सिर्फ मुझे पचास पचास रुपए देंगे। अरे वाह कमाल है, हम तुम्हें पचास रुपए देंगे और तुम हमें सिर्फ पाँच रुपए। देखिए साहब, आप ठहरे शहरी अमीर बाबू और मैं ठहरा एक गरीब रेस्ट हाउस का मैनेजर, मेरी हैसियत क्या? क्या पिद्दी, क्या पिद्दी का शोरबा। ठीक है ठीक है, पहली तुम पूछो। पहली है, वो कौन सी चीज है न खेत में न खलियान में न बस्ती न शमशान में न जमीन न आसमान में न सोती है न जागती है न जीती है न मरती है न खाती है न पीती है। बताइए क्या चीज है? बताइए बताइए। अरे बताओ भाई बताओ 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 क्या चीज है? है? क्या हो सकता है? बताओ। हार गए ना, हार गए ना, तो निकालो पचास पचास रुपए। हार गए तो हार गए तो ये लो पचास रुपए। तो है, हार गए तो ये लो मेरे भी है, 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 है। अरे सुनो, अब तुम बताओ वो कौन सी चीज है? मुझे खुद नहीं मालूम इस चीज का नाम क्या है। अरे मैं हार गया, मैं हार गया। ये लो पांच रुपए, पांच रुपए, ये पांच। मैं हार गया, मैं हार गया। अरे हम तो जीत गए। अरे वो तो हमें बेवकूफ बना गया। कैसे? वो हमें पैंतालीस पैंतालीस रुपए का झटका दे गया। तारा सही, गाना गाने का अच्छा मौका है, चल चले नदिया के पार चल के गाएंगे, दिल दीवाना माने ना। अरे जाओ जाओ, मुझसे तो बहुत प्यार जताते हो, अपने बापू और ताऊ से तो बहुत डरते हो। कौन डरता है उनसे? तारा, कौन? दंगल सिंह। दंगल सिंह, दंगल। लो मंगल में दंगल आ गया। दंगल आ गया वो, क्या करूं, क्या छुपूं, क्या छुपूं, काट के नीचे, काट के नीचे। तारा खोलो भाई, क्या कर रहे हो? काट के नीचे। तारा क्या मुसीबत? मैं हूँ दंगल सिंह। दंगल सिंह, तुम यहाँ कैसे? तारा एक राज की बात है, किसी से कह रहा नहीं। मैंने फैसला किया है कि अपने भाई मंगल सिंह के मुकाबले में एक डकैत का नाटक खेलूं और उस नाटक की हीरोइन तुमको बनाऊं, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे जीने दो की हीरोइन वहीदा रहमान मुझे याद आती है। नदी नारे ना जाओ शाम भैया, पर रखा है मुझे मरने दो। तारा कौन आया? दरवाजा क्यों छुप जाऊं? देखो कौन आया। आप तो नहीं डरते, मगर वो मुझे सारे गांव में बदनाम कर देगा। छुप जाइए ना। छुप जाऊंगा, मगर एक शर्त है, तुम्हें मेरे नाटक की हीरोइन बनना होगा। अगर मंजूर है तो छुपूंगा, बोलो मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है। मंजूर है तो छुपता हूँ। अरे इस अलमारी में, अलमारी में जगह है, जल्दी तुम भी आ जाओ जल्दी। नहीं तारा, दरवाजा खोलो भाई। तारा इतना इंतजार मत करो। ये अदना मंगल सिंह अपनी नूरजहां की मिजाज कुर्सी के लिए आया है। नूरजहां कुर्सी? ये नूरजहां क्या है? तुम हमारे नाटक अदने जहांगीर की मुकम्मल नूरजहां हो तारा। तुम्हारे चेहरे पर जो नूर है उसका दूर दूर तक एक जहूर है। तुम मलकर उस नसीम बानो का अक्स हो और जहांगीरी तराजू में झूमता नाचता हुआ एक रक्स हो।
मगर मैं आपके नाटक में काम नहीं करूंगी। अरे भाई, तो हमारे नाटक का फाटक बंद हो जाएगा। समझ गया, दंगल के नाटक में काम करोगी। अफसोस, सद अफसोस, दंगल का गम गम है और हमारा गम कहानी है। दंगल का खून खून है और हमारा खून पानी है। बड़ी भारी छींक थी जी। जी मुझे जरा सर्दी हो गई है। जुकाम हो गया है? जुकाम होना अच्छी बात है, सेहत की निशानी है। मारी एक और आवाजें दो, ताज्जुब है जी। मारी तो एक थी, दूसरी दीवार से टकरा के आई है। ओह, दीवारों से टकरा जाते हैं और दरवाजों से बातें होती हैं, मगर यहाँ छींके टकरा रही हैं। बहुत हो चुका, अब आप जाइए, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। समझ गया, जा तो रहा हूँ तारा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने मेरे नाटक में काम नहीं किया तो मैं तुम्हें दंगल के नाटक में भी काम नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इतनी भयानक आवाज, समझ गया, बासी दाल कुछ ज्यादा ही खाली है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बच रहा है कहीं और कहीं आवाज है। भाई वाह, हे भगवान, क्या मुसीबत है। आप यहाँ? जी, मेरा मतलब आप यहाँ? जी, मुझे खुद को खबर नहीं, कल रात भी जो कुछ हुआ इसका होश कहाँ था मुझे पता नहीं। आपकी डफली की यह था क्यों मुझे अपने आप से दूर कर देती है, और यही था मुझे यहाँ खींच लाती है। जिंदगी एक बार तो नजदीक का तनहा हूं मैं, या दूर से फिर दे मुझे कोई सदा तन्हा हूं मैं। दुनिया की महफिल में कहीं मैं हूं भी शायद या नहीं, एक उम्र से सोच में डूबा हुआ तन्हा हूं मैं। मेरा मतलब इसी तन्हाई को तोड़ने के लिए मैंने अपने इस साज का सहारा लिया था। मुझे उम्मीद थी तुम आओगी और तुम आ गई।
है क्या? अरे भाई देखो तो सही। भारी तो लगता है, पर इसमें है क्या करण? मैं तुम्हारे लिए शहद के कपड़े लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे लगे? बहुत अच्छे। जरा पहन के दिखाओ ना। ऐसे थोड़ी। तो फिर भाई इसे निकालो और इसे पहनो। अच्छा हा? तो क्या मैं तुम्हारे सामने कपड़े बदलूंगी? तो क्या हुआ? अरे वाह, उधर मुँह करो। मैं उधर हूँ। उधर मैं। ए मोती, तू भी मुंह उधर कर। चल कपड़ों में ना बटन होता है ना डोरी होती है। तो फिर इसे पहनते कैसे? जंजीर से जंजीर होती है। घूमो, दिखाता हूँ। कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। दरअसल खासियत इन कपड़ों में नहीं, तुम में है। तुमसे लगकर ये कपड़े और भी हसीन हो जाते हैं। करण नहीं, अभी नहीं। मगर क्यों? मैं बेगाना तो नहीं? हमारी शादी होने वाली है। करण, शादी होने वाली है, अभी हुई तो नहीं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो अपने से ज्यादा है तुम पर। पर करण, शादी एक पूजा है और मैं इस विधि पर पवित्रता के साथ तुमसे जुड़ना चाहती हूँ। मेरी तपस्या भंग मत करो करण, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत परसों ही सौंप दूंगी। हाँ मधुरी, तुम ठीक कहती हो। दिन कैसे बीता? वाओ, फैंटास्टिक, क्या बात है। हक्का हम मारते हैं और मजे तुम। हाय, क्या तुम्हारे जिस्म में भी कपकपी महसूस हो रही है? हाँ। क्या तुम्हारा दिल भी बगावत करने को चाहता है? हाँ। कि इनके आग और घी के खेल से हम छड़ों का दिलो दिमाग जलने लगता है, कहीं झपट पड़ने को मन करता है। यू आर राइट। तो शिकार कर ले। शिकार? मगर कहाँ? इस गांव में एक से एक सोने जैसी हिरनियां हैं, कहीं भी अपना पंजा गाड़ देते हैं। भूख ने हमें बहुत सताया। प्यास ने हमें बहुत तड़पाया जानी। तुम्हें पाया तो चैन आया। शहरी कुत्ता, हम गांव वाले मेहमान को भगवान की तरह पूछते हैं, और जब भी ये मेहमान अपनी नीयत खराब कर लेते हैं तो हम उनका जीना हराम कर देते हैं। हरामजादो, निकले यहाँ से। छोड़ दो, छोड़ो। नहीं, कुछ तो आगे मत बढ़ना। देखो मैं बोलती अरे मालूम है यार, मुझे भी भूख लग रही है, खाना लेकर आती होगी। चुप हो जाना है।
टाइम तो ज्यादा हो गया। चल आजा माधवी माधवी। करण, कहते हैं महबूब का दर्जा भगवान से भी ज्यादा ऊंचा होता है। काश मैंने तुम्हारा दिल न तोड़ा होता, समाज और मर्यादा की पाबंदी न लगाई होती, तुम्हें अपने आप में जज्ब कर लेती तो कम से कम एक सुहागन की मौत तो मरती। करण, तुम्हारे प्यार के मंदिर को शहरी दरिंदों ने अपवित्र करके तुम्हारे काबिल नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, सिर्फ तुम्हारी। करण, क्या हुआ माधवी को बताते क्यों नहीं? बोलो आखिर बात क्या है? मुखिया, ए मुखिया, मुखिया, क्या हुआ, क्या हुआ? माधवी, माधवी मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी माधवी को, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे तुम बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ मेरी माधवी को? तेरी तहजीब ने उसे मार डाला मुखिया। क्या बोल रहे हो करण? जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तेरे आए हुए मेहमानों ने, उन दरिंदों ने मेरी माधवी को मार डाला। साफ साफ बता करण, क्या हुआ मेरी बच्ची को, क्या हुआ माधवी को? पढ़ पढ़ इस मासूम की चिट्ठी, पढ़। मुखिया, बरसों से तू इस गांव में इंसाफ करता आया है, अब बोल आज क्या देता है मुझे तेरा इंसाफ? इंसाफ जरूर होगा करण। गोपाल जी, तुम सुल्तानपुर जाओ, रिपोर्ट लिखाकर थानेदार को जल्द से जल्द लेकर आओ। जी सरकार। तू घबरा मत बेटे, गुनहगार को सजा जरूर मिले। मुखिया, मैं जानता था कि तू ये जरूर कहेगा कि सजा जरूर मिलेगी। कानून की किताब के मुताबिक उन शहरियों को 6-7 साल की कैद, और अगर रसूख वाले हुए तो शायद वो भी नहीं। तू होश ले आ करण। होश, होश तो जीते जागते इंसान के पास होता है मुखिया, मुझ जैसी जिंदा लाश के पास कोई होश नहीं होता। ये क्या गई, मेरा सब कुछ चला गया, सब कुछ। बेटे, दुख और सदमे ने तुझे झंझोड़ दिया है, मगर ये मत भूल कि जाने वाली मेरी भी कुछ लगती थी, इसी गोद में खेलकर बड़ी हुई थी वो। अरे मैं तो क्या, पूरा गांव उस पर सब कुछ निछावर करने को तैयार रहता था। अगर तू इस बात का दावा करता है तो मुझे उस माधवी के लिए जिसे तू अपनी बेटी समझता है, जो इस गांव की इज्जत थी, उस माधवी की खातिर तांत्रिक भैरव नाथ का पता बता दे। तू उसका पता जानकर क्या करेगा? मैं माधवी की मौत का बदला लेने के लिए उस तांत्रिक भैरवनाथ से मिन्नत करूंगा कि वो उस शैतान को जगाकर उन शहरी दरिंदों को गिन गिन के तड़पा तड़पा कर मारे और तेरा कानून कुछ ना कर सके। वो तांत्रिक भैरवनाथ जिसकी वजह से 20 साल पहले इस गांव में खूनी खेल खेला गया था, तुम उसे क्यों दोहराना चाहते हो मेरे बच्चे? बदला, इंतकाम चाहिए मुझे। इस गांव की शांति उस खूनी शैतान के पंजे में तड़पे, वो खून, वो तबाही, वो विनाश अब देखने की किसमें हिम्मत नहीं है। मेरी बात मानो तो भूल जाओ शैतान को, भूल जाओ तांत्रिक को, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा मेरे बच्चे, इंसाफ जरूर मिलेगा। गांव वालों, आओ मेरे साथ, जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम उन शहरियों को वहीं रोकते हैं, उसी गेस्ट हाउस में। मांटी के राणा, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? माधवी ने आत्महत्या कर ली। मगर तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए? होश हमारे नहीं, होश गांव वालों के उड़े हुए। कुछ गुंडों ने माधवी की इज्जत लूट ली और गांव वाले ये समझते हैं कि हरकत हम में से किसी ने की है। गांव का बच्चा बच्चा हम पर गुस्सा है। इससे पहले कि उनके जुनून का कहर हम पर टूटे, हमें फौरन यहां से चले जाना चाहिए। शंकर, सूरज और मोहिनी तीनों यानी है, हम उन्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हत्यारों, यहां से भागने मुमकिन नहीं। काश हमने तुम शहर वालों की जात को पहले ही पहचान लिया होता तो हमारी मासूम बच्ची की हालत ना होती।
अरे हमने तुम्हें मेहमान समझकर अपनी आंखों पर बिठाया और इसका सिरा तुमने ये दिया। अब मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि पुलिस के आने से पहले यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। पर मुखिया जी, हमने ये गुनाह नहीं किया। इसका फैसला पुलिस करेगी और मैं तुम सबको आगाह करता हूँ, अगर तुमने भागने की नादानी की तो ये दोनों नौजवान तुम्हें गोलियों से भून देंगे। मगर हम अपने साथियों को ढूंढने तो जा सकते हैं ना? कोई जरूरत नहीं, हम खुद ढूंढ लेंगे। चलो भाइयों। करण वहां गांव वालों से तांत्रिक का पता पूछ रहा है, लेकिन कोई उसे पता नहीं बता रहा है। इसी दिन का मुझे इंतजार था, जल्दी से जाकर तांत्रिक भैरवनाथ का पता करण को बता दो। जाओ। करण भैया, आपके दिल की हालत को मैं समझ सकता हूँ, उस तांत्रिक का पता मैं आपको बताऊंगा। तू जानता है? हाँ मैं जानता हूँ, मगर आपको मैं दूर से बताऊंगा। मगर भैया, इस बात का पता किसी को भी चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें तांत्रिक का पता बताया। बैठो। तांत्रिक का घर, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं चला। मानव को विनाश की ओर ले जाती है। मेरा विनाश तो हो ही गया है, यह शरीर तो एकमात्र हिलता डुलता पुत्ता रह गया है बाबा, और यह भी उस घड़ी तक जिस घड़ी तक यह शहरी जिंदा है। बहुत खतरनाक खेल है यह। खेल नहीं है बाबा, यह मेरी जिंदगी का मकसद है, और इस मकसद को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर से सोच ले, अब भी मौका है, क्योंकि इसके बाद मौत का सैलाब आएगा, उन शहरियों की धज्जियां उड़ेंगी, चारों ओर आवाज के नाम पर हाहाकार और मौत की लाली दिखाई देगी। बोल। उन शहरियों का हाहाकार, उनके खून के छींटों को उछलता देखने के लिए मैं अपनी सांसों को घसीटता यहां तक आया हूं बाबा। ठीक है, मैं तेरे लिए खूनी शैतान को जगाऊंगा। मौत की घाटी के उस पार काली पहाड़ी के टीले पर एक कब्र है जिसमें एक कंकाल दफन है, जाओ उस कंकाल को लेकर आ। ठीक है बाबा। Thank you.
लगता है हम लोग इस गांव में आकर फंस गए हैं। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। जब हमने कोई गुनाह नहीं किया तो डरना किस बात का, और चंद घंटों की तो बात है, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ जाएगी और जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम लोग बेकसूर हैं, हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। लेकिन मोहिनी और सूरज का भी तो पता नहीं चल रहा। हाँ, शंकर भी तो नहीं है। चलो, अरे ये लोग तो भाग रहे हैं। इसका मतलब है इन्हीं लोगों ने माधवी की इज्जत लूटी है। अब क्या होगा? होना क्या है, जब तक पुलिस नहीं आते हम लोगों को यहीं रहना होगा। आओ चले। कंकाल ले आया हूं बाबा। इस बार बहुत गहरी नींद ली है तूने, अब वक्त आया है काम करने का। 20 साल बहुत आराम कर लिया। तू चाहता था वैसा मैंने कर दिया, पर याद रहे खूनी शैतान जब जब शहरियों को मारेगा तुम्हारा जिस्म भी इसी तरह तड़पेगा, क्योंकि वो खूनी शैतान तुम्हारे खून से बना है। अब इसे उठाओ और यहां से ले जाओ। जाओ। आखिर करण ने उस खूनी शैतान को तांत्रिक भैरव की मदद से जगा ही दिया। ये उसने अच्छा नहीं किया। तुम लोग अपने अपने घरों में जाके खिड़की दरवाजे बंद कर लो। जाओ जाओ, मैं कहता हूँ। हे भगवान, तोरी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहां चली गई। ये आवाजें कैसी हैं? ये गांव वाले शोर क्यों मचा रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। क्यों नहीं, पता नहीं कहां चली गई। वो आगे से भाई लाडली। बापू क्या बात है, आज गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? चल अंदर चल। लेकिन बापू, बापू की बच्ची
मुझे मौत के आगोश में सुला देने वालों को मुझे जिंदा लाश में बदल देने वालों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन दरिंदों को जिन्होंने मेरे प्यार को चिता की अग्नि में झुलस दिया। इससे भी खतरनाक मौत मरेंगे वो, ऐसी मौत जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी। और तेज चला, मोंडी फास्ट, मोंडी फास्ट। तो कोई अजीब सा इंसान है, मोरी चाहे कोई भी हो, गाड़ी रोकना नहीं, पूरा देश है। सिलसिले की पहली चीख देख, मेरी तंत्र विद्या की परीक्षा का समय आ गया है। मैं इस शैतान को मारकर अपने पति की हत्या का बदला लूंगी, मैं बदला लूंगी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। अरे भाग, विजय, शंकर, राणा तुम? विकी, मोंटी को शैतान ने मार डाला। क्या बक रहे हो? नहीं विश्वास तो केके से पूछ लो। पर केके कहाँ है? केके? देखा, उसने केके को मार डाला, मोंटी को भी मार डाला, दोनों को मार डाला। क्या उसने? क्योंकि तुम तो उस मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी जो करण की जिंदगी थी। अगर करण की जगह मैं होता तो मैं भी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता। नहीं विकी, नहीं, केके और मोंटी को शैतान ने मारा है। शैतान ने? अब अपने बचाव के लिए तुमने शैतान को भी जन्म दे दिया? मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? एक शैतान है, अजीब, घिनौना, बदशक्ल। विकी, उसे इतनी भयानक तरीके से मारा है, वो कोई जानवर भी तो हो सकता है। ओहो, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मोंटी, देखा, आप लोग मानते नहीं थे ना, देखो मोंटी को शैतान ने कितनी बेरहमी से मारा। अरे, मेरे जरा से चौंकाने पर तुम लोग इतना घबरा गए हैं? तुम्हारी वजह से नहीं, हम तो शैतानी कहर से डर रहे हैं। हाँ। जिसने मोंटी को खत्म कर दिया है। कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो? कौन सा ही शैतान, किसकी मौत? इन तीन हरामजादों ने उस मंगनी वाली लड़की माधवी के साथ बलात्कार किया, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। पहले तो हम समझे कि माधवी की मौत का बदला करण ले रहा है, लेकिन इन सब मौतों के पीछे इंसानी नहीं शैतानी ताकत का। कमीने, कितनी नीच हरकत की है तूने। भाई बड़ा मजा आया। सचमुच? क्या बात है, बड़ा सन्नाटा छाया हुआ।
मुझे तो डर लग रहा है। दरअसल ये लोग हमें डराना चाहते हैं, तुम आओ मेरे साथ। विके, विजय, नीला, केके, राणा, कहाँ चले गए सब लोग? नीता, विजय, विके। लगता है ये लोग वहां हैं। हाँ। तुम यही रुको, मैं देख के आता हूं। शंकर, विके, देखो मुझे मालूम है तुम लोग यहीं छिपे हुए हो और मुझे डराना चाहते हो, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। बाहर आ जाओ तुम लोग। विजय, इसी तरफ से आ रही है और लगता है वो मुसीबत में है। मोहिनी, मोहिनी, you
हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि उसी शैतान ने इसे मारा है। लेकिन इसके साथ तो सूरज भी था, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उस शैतान ने सूरज को भी मार डाला? इन शहरियों ने तो आकर गांव को नरक बना दिया है। बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, फंस गया हूँ, न जाने रेस्ट हाउस का क्या हाल होगा। चलो हटो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज हम दोनों अकेले हैं, तुम्हारे बापू और ताऊ ने तंग नहीं किया। और वो तंग कर भी नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि आज वो अपनी अपनी जन्म कुंडलियां दिखाने गए हैं कि तुम उनके भाग्य में हो या नहीं। मैं तुम्हारे भाग्य में हूँ। तारा, तारा। अरे ताऊ, ताऊ आ गया। गाँव ताऊ गया शेर। अरे कहाँ छुपू? कहाँ छुपू? यानी बक्से में। अरे बक्से में। तारा, दरवाजा खोलो भाई तारा। कितना इंतजार करवाओगी? अरे आप? हाँ तारा, हम गर्मा गर्म जलेबियों के साथ, हम गर्मा गर्म उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आए हैं, हमें बर्बाद होने से बचा लो तारा। क्यों, क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। ज्योतिषी ने कहा है कि अगर आज रात को हमने शादी नहीं कर ली तो कल का सूरज हमें जीने नहीं देगा, और हम मरना नहीं चाहते तारा। इस बुढ़ापे में आप शादी करना चाहते? जरा झुक के तो देखिए, अपने पैर नजर आते हैं? भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तारा, तुम हमारे ऊपर के गेटअप को मत देखो, हमारे अंदर का सेटअप एकदम जवान है, दिल का अंजन शंटिंग कर रहा है, हमारे अंदर जवानी का समंदर ठाठे मार रहा है तारा। और मैं तुम्हें चाटे मारूंगा। मुझसे भी ज्योतिषी ने कहा है बच्चों कि आज रात अगर मैंने शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। मर जाए तो अच्छा है, तू धरती पर एक बोझ है नालायक। बुढ़ाओ, मुझे मालूम नहीं था कि तू इतना खड़ूस और मनहूस है कि अपने छोटे भाई को मारकर खुद शादी करने के सपने देख रहा है। सपने नहीं देख रहा हूं, हकीकत देख रहा हूं नादान। हकीकत यह है कि शादी मैं करूंगा। मैं तो बारातियों को लेने गया था, मगर गांव में सन्नाटा छाया हुआ है, गांव का कोई आदमी घर का दरवाजा ही नहीं खोलता। कैसे खोलेगा, वो शैतान फिर से जाग उठा है। वही 20 साल पहले वाला शैतान? क्या कह रही हो तुम? यकीन नहीं आता तो खुद चलकर देख लो, चश्मा लगाकर आओ।
आदमी दरवाजा नहीं खोलेगा। भगवान के लिए दरवाजा खोल दो, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए, भगवान के लिए चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, मुझे तो मार डालेगा, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। मुखिया जी की बात मानकर कोई हमारी मदद करता। मुझे तो नहीं लगता। खैर फिर भी तुम लोग कोशिश कर लो, जब तक मैं कोई साधन ढूंढता हूं ताकि हम ये जगह इस जगह से जल्द निकल जाए। हाँ नहीं प्लीज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन आ, ख्याल रखना, चलो हम भी कोशिश करते हैं। आओ मुखिया जी, मुखिया जी दरवाजा खोलिए प्लीज, गौरी चले जाओ यहां से। मुखिया जी दरवाजा खोलिए ना, मेहरबानी करके चले जाओ यहां से, हमारे हालात को समझने की कोशिश करें मुखिया जी। मुखिया वो खूनी शैतान हम लोगों की जान के पीछे पड़ा है, उसने एक एक करकर हमारे कई साथियों की जान ले ली है। हम आपसे सिर्फ एक रात की पना मांगते हैं, बस सिर्फ एक रात के लिए। मैं तो क्या, गांव का कोई भी आदमी तुम्हें पना नहीं देगा, सब जानते हैं खूनी शैतान के शिकार को जिसने पना दी वो उसे और उसके खानदान को खत्म कर देगा। चले जाओ यहाँ से। बापू क्या तुम भी इन्हें मौत के मुंह में धकेल देना चाहते हो? मरना तो इन सबको है ही, क्योंकि वो शैतान जब तक इन सबको खत्म नहीं कर लेता वो शांत नहीं होगा। बरखुरदार बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ और हमारी जिंदगी के साथ मत खेलो। बापू मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने खुद गर्व सरकार होगे। गौरी जुबान संभाल कर बात कर, जुनून में आकर ये मत भूल कि इनको बचाने की कोशिश में मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगी, तुम मिट जाओगी। शैतान हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, इनके लिए मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है शंकर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गौरी नहीं, गौरी नहीं, ना तुम इस घर से जाओगी ना हम इस घर में ठहरेंगे। हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। चलो विजय आओ नीता। नहीं शंकर, शंकर चलो, शंकर चलो, चल चलो शंकर। करण आधी तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। क्यों क्यों, मैं तुम्हारा करण हूं ना। नहीं अब तुम मेरे वो करण नहीं रहे, अब तो तुम्हारी खुद से मुलाकात नहीं रही, वरना सोचते कि तुम कितने बदल गए हो। मेरे करण की आंखों में प्यार की नमी थी, ये खूनी प्यास नहीं, मेरा करण इंसानों का दोस्त था, शैतान का नहीं। मगर माधवी मैं उन भेड़ियों को कैसे बख्श देता जिन्होंने मेरे प्यार को अपनी हवस के नाखूनों से खरोच खरोच कर लहू लुहान कर दिया। और अब तुम क्या कर रहे हो, तुम में और उनमें फर्क ही क्या रहा? तुम तो उनसे भी ज्यादा खोखला निकले, जिसे इस बात तक का होश नहीं कि गुनाहगारों के साथ बेगुनाह भी मर रहे हैं। क्या मैं बेगुनाहों के लिए गुनहगारों को छोड़ देता? तुम्हें यह देखकर शांति मिलती? शांति तो अब भी नहीं मिल रही है करण, हर चीख पर तुम्हारा नाम देखकर तड़प जाती हूँ, हर मौत पर तुम्हारी मौत देखकर बेचैन हो जाती हूँ। ये खूनी खेल बंद करो करण, बंद करो ये खूनी खेल, बंद कर दो इसे। नहीं बंद करो इस खेल को। नहीं माधवी मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ माधवी। बाबा बंद कीजिए, बाबा बंद कीजिए, खत्म कीजिए इस मौत के सिलसिले को बाबा, बुला लीजिए इस शैतान को वापस। मूर्ख मैंने
तुझे पहले ही आगाह किया था कि फिर सोच ले, मगर तू ना माना। जा, शैतान जब तक उन शहरियों का नाश नहीं कर लेता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। नहीं बाबा नहीं, गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं। ये तुझे पहले ही सोचना था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपके उस शैतान को मैं खत्म करूंगा। होश में आ, राई अगर उड़कर पहाड़ से टक्कर ले तो पहाड़ नहीं टूट जाता, राई को ही खत्म होना पड़ता है। ठीक है बाबा, अगर मैं खत्म हो भी जाऊं तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं बेगुनाहों को मरने नहीं दूंगा। मैं मरने नहीं दूंगा, नहीं। जैसा तुमने कहा था वैसे ही हो रहा है। जानती हूँ, तुम यहाँ आए, अच्छा किया। वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ जरूर आएगा। आज मेरा बदला पूरा होने का वक्त आ गया। तुमने इंसानी टक्कर तो बहुत देखी होगी, आज शैतानी टक्कर भी देखी। विक्रांत, तुम इस गांव में कोई हमारी मदद करना नहीं चाहता, हमें फौरन यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो शैतान हमें मार देगा। देखिए मैंने कार देखी है, अगर मुझे कार चलाना नहीं आता। देखिए हमें फौरन यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो शैतान। राणा होश में आओ, कहां है कार? कार उस तरफ, भागो। लेकिन इसकी चाबी? हाँ, तुम लोग अंदर बैठो, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं। रुक जाओ शहरी कुत्तो, निकलो यहां से, निकलो। देखिए भाई साहब, हम आपसे, भागो यहां से, कहीं ऐसा ना हो उस शैतान से पहले तुम लोग मेरे हाथों मारे जाओ। तुम हमारी मदद करो, नहीं तो वो शैतान हमें मार डालेगा। तुम लोग तो मारे ही जाओगे, लेकिन जो कोई भी तुम लोगों की मदद करेगा वो शैतान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाल बच्चे यतीम हो जाएं। भाग जाओ यहां से। विकी!
अब हमें कोई खतरा नहीं, ये विकी जयदान मर गया। राणा उसके पास मत जाओ। देखो विकी देखो, अब ये शैतान मर चुका है, अब हमें कोई खतरा नहीं। आओ देखो। राणा रुक जाओ, वहां से हट जाओ राणा। वापस आ जाओ राणा प्लीज। आओ इधर आओ, देखो तो। शैतान हमारी जान के पीछे पड़ा है और तुम यहां रुककर क्या सोच रहे हो? उस शैतान को खत्म करने की तरकीब सोची है मैंने। बताओ तो सही, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जब वो शैतान मेरा पीछा करता करता इस दुकान के अंदर चला जाए, तुम मिस मिट्टी के तेल की बनी लाइन को आग लगा देना। मैं खिड़की से कूदकर बाहर चला जाऊंगा और वो शैतान इस दुकान के अंदर पड़े मिट्टी के तेल में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन शंकर, इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। इस नेक काम के लिए मेरी जान की परवाह मत करो विजय। मेरी बात मान लो शंकर, ये बहस करने का वक्त नहीं है विजय। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ये धमाका कैसा? ये धमाका मैंने किया था कि मैंने ये सोच करके वो शैतान इस आग में जलकर खत्म हो जाएगा, मगर उस शैतान का इस धमाके से भी कुछ नहीं बिगड़ा। विक्की नेता विजय कहाँ है? अपने आप को बचाने के लिए पता नहीं कहाँ चले गए। नेता आज की रात यहां गुजार लेते हैं, शायद हमारी जिंदगी उस शैतान से बच जाए। हाँ आओ। जानते हो विजय कि वो शैतान हम दोनों को नहीं छोड़ेगा।
वो हमें बाहर डालेगा, वो हमें बाहर डालेगा। नीता, नीता, हिम्मत मत हारो, तुम्हारे सपने जरूर सच होंगे, तुम्हारे अरमान जरूर पूरे होंगे। मौत से पहले इस खुली रात को क्यों ना हसीन सुहाग रात में बदल दे, हैं? पीछे मैंने सब कुछ पा लिया है, अब अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। शंकर,
ये तो गौरी की आवाज है। चलो तुम्हें घर छोड़कर इस मुसीबत में आने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ मुसीबत में गिरे हो और मैं वहाँ घर पर बैठी रहूं? शंकर, हम सब मिलकर भी शैतान को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो मैं भी जान गया हूँ। शंकर, इसे बचने के लिए हमारे पास एक ही जगह है और वो सिर्फ मैं जानती हूँ। कहाँ? वहाँ वो शैतान बिल्कुल नहीं आ सकता। जल्दी चलो शंकर, जल्दी चलो, चलो। क्या बात है बच्चों, बहुत मुसीबत में नजर आ रहे हो। बाबा, उस शैतान से बचने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आई हूँ। कैसा शैतान? हाँ बाबा, शैतानी आत्मा ने हमारे कुछ साथियों को जान से मार डाला और अब वो शैतान हमारी जान के पीछे पड़ा है। बाबा, हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। गांव का कोई भी शख्स हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत उम्मीद के साथ हम इस पाक जगह पर पनाह मांगने आए हैं। बाबा, तुम लोग सही जगह पर आए। इस मुकद्दस मुकाम पर हर मुसीबत ज्यादा की मुसीबत दूर होती है। हर पनाह मांगने वाले को पनाह मिलती है। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत इस रूहानी ताकत के सामने नहीं ठहर सकती। बच्चों आओ, आओ बच्चों आओ।
हमें यहां से निकलकर उन तक पहुंचना चाहिए। चलो आओ। कहां जा रहे हो बच्चों? बाबा हमारे साथियों की जान खतरे में है, हमें उनकी मदद के लिए जाना ही पड़ेगा। गांव वालों, इसकी दुश्मनी शहर वालों से है और उन्हें यह हर कीमत पर खत्म करके आएगा। हम अपने आप को क्यों तबाह कर रहे हैं? बड़ा इसी में है कि अपने अपने घरों को लौट जाओ। अगर आप लोग चले गए तो आपकी जानों को भी खतरा पड़ सकता है। मेरी मानो तो मत जाओ यहां से। बाबा कुछ पल इन बुजुर्ग हस्ती के साये तले रहकर एक बात समझ में आई कि मुसीबत ज्यादा की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। और फिर वो लोग तो हमारे साथी हैं बाबा, हमें जाना ही होगा। चलो। ऐ पीर बाबा, तुम्हारी पनाह में आकर सजदा करने वाले इन बंदों का तू ही रखवाला है। इनकी जान की हिफाजत करना तुम्हारा रहम और कर्म होगा। आज शैतानी ताकत से रूहानी ताकत की जंग है। जीत रूहानी ताकत की ही होनी चाहिए पीर बाबा, जीत रूहानी ताकत की ही होनी चाहिए पीर बाबा।
मैंने इसे समझाया कि बेटा बदले की भावना अच्छी नहीं, लेकिन ये एक न माना। आखिर इस इंतकाम की आग ने इसकी और इसके साथ कई बेकसूरों की जान ली। दूसरों की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान तक दे दी। हम सबकी जिंदगी बचने वाले तेरा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग लाख कहें कि तुम मर गए हो, मगर मैं जानता हूं कि तुम नहीं, तुम्हारी नफरत मरी है।